हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयरस्टाइल्स। आज मैं आपके लिए गई हूँ बहुत ही सुंदर और यूनिक सा मेकअप। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे जाना है वेडिंग में, तो किस तरह से आज मैं मेकअप करूँगी। मैंने जो है थोड़ा ग्रे शेड में, जो मेरा लहंगा ड्रेस है और जो चोली है वो पिंक शेड में है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर मैं मेकअप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है बिल्कुल प्रॉपरली। नेक्स्ट मैं लूँगी अपना प्राइमर। मैंने अपना हल्का सा प्राइमर जो कि अपने फेस पे अच्छे से इसको डैप डैप करते हुए लगाऊंगी और थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। अपने हैंड की हेल्प से ही मैं इसे लगा रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लें और इसको थोड़ी देर वेट कर दे और थोड़ा सा इसे रिलैक्स होने दे प्राइमर को, ताकि वो सेट हो जाए। अब देखिए, हमारे पास यहाँ में क्रेलोन के शेड्स हैं। ये जो शेड्स हैं, मैं अपने फेस टोन से नियर अबाउट 1 टोन लाइट शेड लूँगी। यहाँ पे बस अलग अलग शेड्स हैं, आप देख रहे हैं। तो जो मैं शेड चूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ी सी जो है हल्की सी मेरे स्किन के साथ मैच करती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए, तो मैंने हल्की सी लाइट शेड ली है क्रेलोन पैलेट से, और उसको मैं धीरे धीरे अपने फेस पे अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड नहीं कर सकते हो। आप कंफर्टेबल किस चीज़ में हो, आप उसका यूज़ करें, ठीक है। फिंगर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं फील कर सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादातर फिंगर का यूज़ करती हूँ, यानी हैंड का यूज़ करती हूँ। और जैसे मैं ब्राइडल वगैरह रेडी करती हूँ, तो मैं अब ज़्यादातर ब्रश का या ब्लेंडर्स का ही यूज़ करती हूँ। तो खुद भी मैं ज़्यादातर अपने हैंड का ही यूज़ करती हूँ। तो प्रॉपरली हमने इसे ब्लेंड कर लेना है अपने पूरे फेस पे, और अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई पैच ना रहे। अपनी आईज के सराउंड भी अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें। अब आप देखिएगा, जैसे कि हमने प्रॉपरली ब्लेंड किया, अब मैंने आइवोरी शेड लूँगी, आइवोरी शेड, और उस शेड को मैं अपने हाईलाइट एरिया पे अप्लाई करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस एरिया पे, ये जो मुझे हाईलाइट करना है इस एरिया पे, जो मेरे हाईलाइटिंग एरिया है कंटूर से नीचे, ये चीक्स और कंटूर के बीच में एरिया में, अपने फोरहेड के सेंटर में। अब नेक्स्ट मैं अपना कंटूर लूँगी और कंटूर को भी मैं एक प्रॉपर जो है वे में पैटर्न बनाती हूँ, और इसको हम बाद में प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। तो अच्छे से हमने बिल्कुल कम क्वांटिटी ली है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। ज़्यादा क्वांटिटी बहुत एक्सेस में हो जाती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो कम क्वांटिटी में आपने काम करना है। नेक्स्ट अपने नोज़ के सराउंड, और अब हम अपना ब्लश भी कर लेते हैं, अपने जो ब्लशर है वो भी ले लेते हैं, और ब्लशर को भी हम अपने चीक एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम ये सारी जो चीज़ है जो हमने सब कुछ लगाया है, उसको अपने ब्लेंडर या फिर ब्रश दोनों की हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये जो फॉर्मेशन है आपकी डैप डैप फॉर्मेशन रहेगी, इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है डैप डैप फॉर्मेशन में। प्रॉपरली हर चीज़ अपनी जगह पे ब्लेंड करनी है, उसको मिक्स नहीं करना है किसी ने, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हर चीज़ को अपनी जगह पे ही ब्लेंड करें, जो चीज़ आपने जहाँ पे लगाई है वहीं पे उसे ब्लेंड कर दें। जो आपका ब्रश है, ब्लशर लगाया है, जो आपने कंटूरिंग की है, जो आपने हाईलाइट एरिया पे, जो आपने कंसीलर का यूज़ किया है वहाँ पर, और जितना भी एरिया है उसको अपने प्रॉपरली ब्लेंड करना है।
ब्रांडिंग प्रोसेस आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी इस तरह के जो पैचेस हैं वो नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है आप अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं। फिंगर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है ब्लेंडिंग का। एक्चुअली फिंगर से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और अपने मेकअप को जो है फील कर सकते हैं, अपने ब्लश को अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कीजिए। और ये जो प्रोसेस है जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, इसको प्रॉपरली कंप्लीट होने के बाद अब हमारा जो आईज़ का फॉर्मेशन है वो रह रही है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये जो हाइलाइटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको भी हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। लिक्विड हाइलाइटर हमने लिया है और इसको भी अब हम ब्लेंड करेंगे। जो जो हमारा हाइलाइटिंग जोन है वहीं पे हमने इसे ब्लेंड करना है, प्रॉपरली अपने हाइलाइट एरिया को हाइलाइट करें, अपने टी जोन को हाइलाइट करें। जैसे कि मतलब हमारा टी जोन, तो टी जोन को प्रॉपरली हाइलाइट करें जिससे आपका जो फेस है वो हाईलाइट हो जाएगा, इन मीन्स टू से आपका टी जोन हाईलाइट होगा इससे, और बहुत ही अच्छी और यूनिक जो है इसे लुक जो है हमें मिलती है, बहुत ही सुंदर लुक मिलती है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं हाईलाइट, तो हाईलाइट करने से हमारा जो फेस का इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ गया है और ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो गया है, हमारा मेकअप जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है बेस। तो अब मैं आई शेडो पैलेट से हल्की सी टिंट ले रही हूँ, थोड़ी सी ब्राउन कलर की, इसको मैं क्रीज़ के ऊपर थोड़ा सेट करूँगी अपर आईज़ पे। दोनों साइड पे हमने सेम लेना है, सेम कलर से हमने अपने क्रीज़ को सेट कर लिया और अपने आईज़ को भी हमने थोड़ा पिंक और ग्रे शेड में है, तो ग्रे शेड में है तो मैं थोड़ा सा जो है स्मोकी लुक दे रही हूँ, यानी कि लिटल बिट ब्लैक टच, और सेंटर में मैं दूंगी पिंक शेड। तो इस तरह से हमने जो मेकअप कंप्लीट करना है आईज़ का, और फिर हम अप्लाई कर लेंगे अपने आईलाइनर और साथ ही साथ अपनी लिपस्टिक, जैसे कि आप देखते रहिए। और इसको हमने प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया ब्लैक शेड को, जिससे समिक्स मॉकी लुक मिलेगी। और अब हम पिंक देंगे, बहुत ही लाइट स्मोकी लुक दी है, ज़्यादा हैवी टच नहीं दिया।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पिंक जो है कलर का जो लहंगा वियर किया था, यानी पिंक जो है वो चोली है और ग्रे जो है लहंगा है, तो हम पिंक कलर की जो लिपस्टिक है वो अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट हो चुका है डन। अब हम करेंगे अपना हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, मैं ओपन हेयर्स ही रखूँगी। ओपन हेयर में लहंगा चोली पे सबसे सिंपल जो हेयर स्टाइल है, आपने हेयर्स को ओपन करना है और साइड से जो है रोल करते हुए डबल रोल लेना है और डबल रोल करके आपने उसे बैक साइड पर ले जाकर टाई अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा मेकअप हो चुका है रेडी। तो इस तरह से हम जो है अपना मेकअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।